नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं माथेरान में। माथेरान के शिव स्मारक में हमारे साथ में इस स्मारक के अरविंद जी हैं, जो इस स्मारक की देखरेख करते हैं और यहाँ पे ध्यान रखते हैं। इनसे स्मारक के बारे में और संग्रहालय के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अरविंद जी नमस्कार। अरविंद जी, ये संग्रहालय जो है यहाँ पे बना हुआ, इसकी क्या विशेषता है, थोड़ी बताइए। इसकी विशेषता ऐसा है, हमारे मालिक है, इनकी जो संग्रहालय के मालिक है वो समीर बांदेकर बम्बई में रहते थे। उन्होंने करने की वजह ऐसे है कि आजकल की पीढ़ी को इतना सिनेमा हो, इसके लिए उन्होंने माथेरान के अंदर टूरिस्ट पॉइंट आई करके उन्होंने संग्रहालय चालू किया। और आने वाले जनरेशन पीढ़ी को इतिहास मालूम होना चाहिए, इसके लिए कायदे का प्रोसीजर करके और इधर कोल्हापुर से सब कागज पत्र और ये सब संग्रहालय जो वस्तु जो भी है उन लाके इधर ये किया कि पब्लिक को इतिहास मालूम होना चाहिए। अभी मैं थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में आपको इसका इतिहास बता देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके हस्तलिखित पत्र है, इनका नाम इनका इनको मोड़ी भाषा बोलते हैं, मोड़ी ये वो जमाने का मराठी, आजकल का मराठी है, आजकल के मराठी में उसको ट्रांसलेट करके लिया है। और ये शॉप पहले कोल्हापुर से हम लोग कायदे के हिसाब से प्रोसीजर करके लाए, ज्वेलर्स कॉपी लिखेल ओरिजिनल कोल्हापुर में। और इनका इतिहास ऐसे राजा गढ़ किला बने, मंत्रिमंडल घोड़े के ऊपर कितना खर्चा हुआ, उसका तफसील खर्चा है प्रेम के अंदर। अफजल खान का वध क्या बदल पड़े, निश्चित मारते पत्र लिखे रखा मुस्लिम लोगों के इनाम में, जो रीति रिवाज से पहले से चल रही थी चलने के ऊपर देख लेकर भारत के अंदर जितने किले हैं उनका नाम उनका खर्चा ऐसा एक लेटर। अब अपना तलवार है, तोप है, थड़ी फ्रेम है, हर फ्रेम के ऊपर जन्म से लेकर अंत तक उनका इतिहास दिखाया हुआ है। हर एक फ्रेम के नीचे इंग्लिश में और मराठी में अच्छी तरह से इतिहास दिखता है। आप पढ़ो इनकी जो मालिक है समीर जी, इन्होंने ये सब चीज़ें संग्रहालय में कहाँ से जुटाई, क्या इनकी कैसे कॉन्टेक्ट है और किस तरह से लोग जो है अपने इतिहास के बारे में वो जान सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे मालिक है, उनको ये इनका बहुत शौक है, बचपन से इतिहास ये करने का उनको बहुत शौक है, जतन करने का बहुत शौक है। और उनको उन्होंने करने की वजह आने वाली पीढ़ी को इतिहास मालूम होना चाहिए। और ये जो कागज पत्र है ये कोल्हापुर के शाहू पैलेस से हम लोग कायदे के हिसाब से प्रोसीजर करके लाए हैं, एक जरूरत लेकर कॉफी और लिखेला और लिखा उधर। और इन इन और जो शस्त्र है तलवार है जो अनेक अनेक जगह से उन्होंने जमा किया है, वो कोई चीज़ ओरिजिनल कोई लड़की का उन्होंने जो बना के लाया कि उन्होंने और जमाने में कैसे यूज़ करते थे, तोप कैसे यूज़ करते थे, तलवार कैसे यूज़ करते थे, वो सब दिखाने के लिए वो सब जमा करके इधर लगे सब जमा करते हैं। ऐसा आखिरी सवाल की माथेरान की बात करें तो माथेरान को लेकर शिवाजी महाराज का क्या इतिहास है, माथेरान से किस तरह से जुड़े हुए थे? एक्चुअली मेरे अंदाज के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज माथेरान में उन्होंने करने का इधर कुछ किया नहीं, मगर इस तरफ जहाँ से तुम आते वेलकम टू माथेरान उस तरफ पेप किला, और वो पेप वो जमाने में उन्होंने कल्याण खजान लूटा था, वो पेप किला उस तरफ, और इस तरफ ये प्रबल बने दो किले के बीच में माथेरान, और दोनों किले के ऊपर जाने के लिए उनको माथेरान में शॉर्टकट चाहिए, इसलिए माथेरान उन्होंने खोज निकाली। बाद में उनको ब्रिटिश ने उनका चार्ज दिया कि ब्रिटिश ने ये क्या था कि हमने माथेरान में ये पॉइंट बनाया वो पॉइंट बनाया, मगर इनका जो सिलेदार है असली में छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा उनके। तो ये हम बात कर रहे थे अरविंद जी से, उन्होंने इस तरह से बताया कि माथेरान के सही मायने में खोज की थी शिवाजी महाराज ने, लेकिन अंग्रेज ने अपनी तरह से उसको बताया और आज हम इतिहास देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपने गूढ़ इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए और हम यही गूढ़ इतिहास की जानकारी देने के लिए आपके सामने ये वीडियो लेके आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।